गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है ऐड रोटेटर कंट्रोल इन ASP.NET। ऐड रोटेटर कंट्रोल होता क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। जो ऐड रोटेटर कंट्रोल हमारा होता है, एक इसको अपन एडवर्टीजमेंट कंट्रोल भी कहते हैं। कौन सा कंट्रोल कहते हैं? एडवर्टीजमेंट कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे हमें कोई बैनर वगैरह, जैसे आपने कोई वेबसाइट्स देखी होगी, वेबसाइट्स में आपके पास क्या है कि बैनर आते हैं, फिर हर कुछ सेकंड बाद दूसरा बैनर आता है, तीसरा बैनर आता है। तो अगर हमें कोई इस टाइप से एडवर्टीजमेंट करना है और नंबर ऑफ पिक्चर्स को रोटेट कराना है, एक के बाद एक पिक्चर ऑटोमेटिकली आपकी आती रहे, तो उस ऐसे काम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ऐड रोटेटर कंट्रोल के साथ जो यूज़ होती है, एक XML फाइल यूज़ होती है जिसमें हम सारी अपनी एडवर्टीजमेंट फाइल को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट कंट्रोल यूज़ कैसे करते हैं? ASP:ADROTATOR:RUNNET=server एडमिनिस्ट्रेटर फाइल, जो फाइल हमारी बनाएंगे हम, एड डॉट XML फाइल बनाएंगे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, क्लियर। अगर हमारी XML फाइल ना हो तो, अगर मिल जाए तो वो ओपन करते, नहीं टारगेट हमारा क्या देते, ब्लैंक। अब देखिए, एडवर्टेटर जो फाइल बनती है उसके साथ हमारे फॉलोइंग टैग यूज होते हैं, कंट्रोल्स यूज होते हैं। एक हमारी यूज होती है एडवर्टीजमेंट फाइल। तब देखिए, फाइल जो होती है हमारी XML फाइल होती है जिसके अंदर हम फाइल को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट फील्ड, अल्टरनेट टेक्स्ट फील्ड का काम क्या होता है कि अगर कोई इमेज ना आए तो इमेज की जगह पर हमारे पास कोई टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले हो। इमेज URL, जिस इमेज को हमें डिस्प्ले कराना होता है वो किस टैग के अंदर देते हैं? इमेज URL टैग फील्ड्स के अंदर देते हैं, इमेज फील्ड्स। उसके बाद नेविगेट URL फील्ड्स, यानी नेविगेट URL का काम क्या होता है कि जो नेविगेशन के लिए, यानी जो हमें नेविगेशन करना है, क्लिक करना है किसी पे ओपन हो जाए या वो कोई साइट्स ओपन हो जाए, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? नेविगेट यू। टारगेट में देते हैं जैसे स्पेसिफिक किसी अपन को, जैसे ब्लैंक ओपन करना है, पेरेंट्स ओपन करना है, सेल्फ ओपन कराना, टॉप ओपन कराना, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टारगेट का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब देखिए, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर अपन इस पर काम करना आपको बताते हैं, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा कंट्रोल है? ऐड रोटेटर कंट्रोल। अब ऐड रोटेटर कंट्रोल को हम बनाएंगे कैसे? ASP.NET में जाएंगे। सबसे पहले जो काम हमारे पास है कि यहाँ पे हम एक फोल्डर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें इमेज, सारी जितनी इमेजेस आपको लेना है, हमने दे दिया इमेजेस, क्या दे दिया? इमेजेस या इमेज, ठीक। अब जितनी भी इमेज आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में चलानी है वो सारी इमेजेस को इसके अंदर आप पेस्ट कर लीजिए। जैसे हमने कुछ इमेज को डाउनलोड कर रखा है, उन इमेजेस को हम इसके अंदर चलाएंगे। जैसे हमने इमेज वन, इमेज टू, इमेज, जैसे जितनी भी इमेज लेना चाहें इतनी इमेज हमने यहाँ से ले लिया, क्लियर। फोर इमेज हमारे पास है, कॉपी किया, इन फोर इमेजेस को इसके अंदर हमने पेस्ट कर दी। इमेज हमारी फोर इमेजेस आ गई। उसके बाद दूसरे स्टेप में अपन को क्या करना है? राइट क्लिक करना है, एड न्यू आइटम पे जाना, और यहाँ पे अपन को जो लेनी है फाइल वो लेनी है XML फाइल। कौन सी फाइल लेनी है? यहाँ से XML फाइल को लेना है अपन। यहाँ से अपन ने XML फाइल को ले लिया। इसका जो भी नाम आपको रखना है वो रख सकते हैं। हमने दे दिया ऐड XML। क्या नाम दे दिया? ऐड XML। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एडवर्टीजमेंट ये देखिए खुल के आ गया। अब यहाँ पे हम अपने टैग को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो टैग हम लगाते हैं एडवर्टीजमेंट, कौन सा टैग लगाते हैं? एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट्स, ये देखिए एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर जो हमारा टैग स्टार्ट होगा वो यूज होगा ऐड। कौन सा टैग स्टार्ट होगा? ऐड। ऐड के अंदर हम एक पहला ऐड बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इमेज, क्या यूज करते हैं? इमेज URL। क्या यूज करते हैं? इमेज URL। इमेज URL में किसके अंदर हमारी इमेज है? टाइल सिंबल लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, किसके अंदर? इमेज के अंदर। कौन सी इमेज है? img.jpg, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं इस पर, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हम नेविगेट URL क्या चाहते हैं? नेविगेट हमें देते हैं नेविगेट URL। नेविगेट URL में हमने जैसे चाहते हैं इसमें खुल जाए हमारे पास www.mcu.ac.ac.in, वेबसाइट का नाम दे दिया। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या चाहते हो? अल्टरनेट कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हो, जैसे आपने दे दिया अल्टरनेट टेक्स्ट। जैसे हम स्क्रीन चाहते हैं दुष्यंत, क्या लिखा है? दुष्यंत अवस्थी,
क्लियर, अल्टरनेट टेक्स्ट हो गया। कितनी बार इसको चाहते हैं इंप्रेशंस देखना चाहते हो, तो आपने दिया इंप्रेशंस, इंप्रेशंस ठीक। कितना देना चाहते हैं आपने दिया 60, कितना दे दिया 60, क्लियर। उसके बाद कोई कीवर्ड आप इसको देना चाहते हो, कीवर्ड क्या है, तो आपने दिया की वर्ड स्पेसिफिक कोई कीवर्ड, कीवर्ड क्लियर, कीवर्ड क्या लगा दिया आपने यहाँ से कीवर्ड, और आपने इसको क्लोज कर, क्लियर। अब कीवर्ड में आपने इसका नाम दे दिया। इस टाइप से आपका एक एडवर्टीजमेंट बन गया। अब जितने भी एडवर्टीजमेंट लेना है आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करते जाना। तो हमने यहाँ पे इमेज कर दी, कौन सी IMG 1 था, ये IMG 2 कर दिया। यहाँ पे कोई और नाम देना, यहाँ पे हमने दे दिया सिर्फ नीलम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने दे दिया 50, कितना दिया 50, कीवर्ड आपने यहाँ पे दे दिया नीलू, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे इमेज हो गई कौन सी 3। यहाँ पे आपने वेबसाइट वही रहने देखिए, यहाँ पे आपने डाल दिया अवस्थी, टेक्स्ट क्या डाल दिया आपने अवस्थी, इसको आपने कर दिया 30, कितना कर दिया 30, 70 जो भी आपको देना है। यहाँ पे आपने कीवर्ड कर दिया डी, उसके बाद आपने इमेज कर दिया यहाँ पे कितना इमेज 4, ठीक। यहाँ पे आपने कर दिया दुष्यंत, जो भी आप यहाँ पे देना, ये कुछ फील्ड्स हमारे यूज होते हैं। यहाँ पे आपने दे दिया 80, कितना 90, और यहाँ पे दे दिया आपने, ये आपने अपना बना लिया, क्लियर। ये आपने एडवर्टीजमेंट बना लिया, क्लियर, ये इमेज का पार्ट। उसके बाद अपने पेज पे आए। अब इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ASP कॉलन ऐड रोटेटर कंट्रोल आ गया, ID इक्वल टू जो भी इतना ऐड, रन एट इक्वल टू सर्वर, फिर हमने कौन सा बताया एडवर्टीजमेंट फाइल, एडवर्टीजमेंट फाइल इक्वल टू URL, कौन सी फाइल हमने बनाया था इमेज, ये देखिए हमने फाइल को सिलेक्ट कर दिया, क्लियर। और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब आप इसको देखिए, ये हमारी इमेज यहाँ पर, अब इसको रन करा के देखते हैं, देखते हैं हमारी फाइलें आ रही कि नहीं आ रही सारी। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एंड कुड नॉट फाइंड द एडवर्टीजमेंट फाइल इनवैलिड, एडवर्टीजमेंट फाइल को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐड कुछ फाइल में इशू आ गया है, तो फाइल को हम दोबारा ले लेते हैं, एक्सेल फाइल ऐड, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। इस वाली फाइल को अब अपन उस पेज पे जाते हैं, PQRL ये देखिए इस फाइल को ले लिया, ठीक है। इसको कंपाइल कराया, इस फाइल को अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया,
थोड़ा सा पाथ में प्रॉब्लम थी तो हमने पाथ में यहाँ पे सही किया। टाइल्ड इमेज, इमेज के अंदर तो टाइल्ड किस फोल्डर के अंदर, ये देखिए सॉल्यूशन के अंदर हमारी कहाँ पड़ी, इमेज के अंदर पड़ी ना, तो टाइल्ड स्लैश इमेज स्लैश के अंदर कौन सी IMG, थोड़ा पाथ में प्रॉब्लम थी हमने इमेज दे दिया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, जो एडिटर कंट्रोल है इसकी हमने हाइट और विड्थ को सेट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी हाइट को ले लिया हमने, ठीक है, हाइट ले लिया हमने वाले 50% और विड्थ भी कितनी कर दी हमने 50, हाइट और विड्थ हमने कितना ले लिया इसका 50-50 ले लिया, क्लियर। और थोड़ा अगर बड़ा करना चाहें तो हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं 100, ठीक, और इसको भी कितना कर देते हैं 100, क्लियर। तो 100% हमने यहाँ से कर दिया, क्लियर। अब देखिए इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद देखिए हमारी इमेज आएंगी, सारी इमेजेस हमारी यहाँ देखिए इसमें, अब देखिए रीलोड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे चेंज होती जाएगी, देखिए इमेज हो रही चेंज, ये देखिए एक एक करके इमेज आपकी यहाँ से चेंज होगी। थोड़ा सा और इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, आपको और दिखाई देगा, प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टी में इसका साइज बढ़ा लेते हैं, बंद कर देते हैं 200, ठीक। अभी एक ही पेज इसलिए अपन को इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी बंद कर देते हैं 200, ठीक। अब इसको देखिए रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद देखिए सारी फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे आएंगी। अब अपने पेज पे आप जो भी काम करोगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए इमेज आपकी चेंज होती रहेगी, कोई भी काम करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रही, इमेज ऑटोमेटिक आपकी यहाँ से क्या हो रही है चेंज हो रही है। ये हमारा कहलाता है कौन सा कंट्रोल, एडवर्टीजमेंट कंट्रोल, या जिसको बोलते हैं अपन एडवर्टेटर कंट्रोल। ये एड ये फाइल में इसमें गलत नहीं करना, एक भी टैग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे नेविगेट URL हमने दिया मीरा अकेडमी, तो अब देखिए नेविगेट URL का मतलब जैसे हम रन किया, आपने देखा किसी एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं और इस एडवर्टीजमेंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखना वो वाली हमारी वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे हम जैसे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं, किसी कॉलेज का एडवर्टीजमेंट आता हमने क्लिक कर दिया, तो वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं इस नेविगेट URL पर। और अगर कभी कभी हमारे पास इमेज ना आए, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया नाम 11, तो अब यहाँ पे नाम ना आएगा तो इसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट क्या आ जाएगा, मीरा अकेडमी। देखिए हम इसको रन करा लेते हैं, अब जैसे इसको हमने रन कराया स्टॉप और रन कराया, तो अब देखिए पहली इमेज हमारी नहीं आएगी, तो पहली इमेज की जगह पर हमारा क्या करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट देगा, सॉरी पेज को रन कराया यहाँ से, अब देखिए तो उसकी जगह पर हमारा क्या आएगा, अब वहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा, क्या डिस्प्ले कर देगा देखना, वाली इमेज यहाँ से छोड़ रहा है क्योंकि इमेज उसको यहाँ से नहीं मिल रही, क्लियर। तो एस जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं, एड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंट्रोल कहलाता है, एडवर्टीजमेंट कंट्रोल, कौन सा कहलाता है एडवर्टीजमेंट कंट्रोल। इसको आप लोग कर लीजिए, इसमें आपको कई इसमें फीचर्स आपको इस टाइप से हम यहाँ पे मिले, कुछ भी किसी भी तरह से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और कंट्रोल अपन देखते हैं, जिसे अपन लिया एड न्यू वेब फॉर्म। अब देखिए वेब फॉर्म में हमारे पास एक कंट्रोल्स यहाँ पे आता है, विजार्ड कंट्रोल्स टूल बॉक्स, इसको अपन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे हम एक ही फॉर्म पर मल्टीपल चीज़ें रखना चाहते हैं, तो हमारे पास आता है विजार्ड, क्या आता है विजार्ड, जैसे हमने यहाँ विजार्ड रख लिया। अब इस विजार्ड के पास हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक। अब ये जैसे हमारे पास है स्टेप वन स्टेप टू, अब इस विजार्ड के अंदर आप कितने भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको स्टेप वन में हमने मान लो इसका नाम चेंज कर दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने स्टेप को खोला। अब देखिए स्टेप के हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस बटन, नेक्स्ट प्रीवियस बटन, नेविगेशन लिंक, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन में जाइए, अब जैसे हमने पहला वाला जो बनाया स्टेप, इसका नाम दे दिया एडमिशन। अब एडमिशन में पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हम एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमने जैसे पहला बना दिया रजिस्ट्रेशन के लिए,
दूसरा हमने बना लिया किसके लिए, पहला हमने जैसे बना दिया एडमिशन के लिए, किसके लिए एडमिशन के लिए, पहला हमने आया किस लिए एडमिशन के लिए हो गया। फिर हमने स्टेप में क्या किया, स्टेप टू में इसको बना दिया हमने काहे के लिए, कोर्स काहे के लिए बना दिया, कोर्स के लिए। फिर हमने एक स्टेप और ऐड करा ऐड, इस स्टेप का नाम दे दिया हमने इसे फीस, फीस क्या दे दिया फीस, ओके क्लियर। अब आप चाहते हैं इनका सबका फॉन्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने फॉन्ट दे दिया, जैसे आपने बोल्ड कर दिया, क्या कर दिया बोल्ड, साइज कितना ले लिया लार्ज, कितना ले लिया लार्ज। अब देखिए एक ही फॉर्म पर हम बनाते हैं इसको, अपने हिसाब से आप छोटा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना जैसे बैकग्राउंड वगैरह। अब इस वाले स्टेप में, पहले स्टेप में हम क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ पे हम एडमिशन के लिए बना देते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ रखते नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या देते हैं मैसेज देते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आ जाए राइट क्लिक प्रॉपर्टी, हमने ये किसके लिए बनाया एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म यहाँ पे डिजाइन कर सकते कंट्रोल लगा के। दूसरा हमने जैसे दे दिया यहाँ पे कोर्स के लिए, तीसरा हमने काय के लिए दे दिया फीस के लिए, बस हमने इतना इतना यहाँ पे क्लियर। अब आप देखिए रन कराएंगे, पहले स्टेप आ रही रन करा दीजिए, एक ही फॉर्म पर आप मल्टीपल चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने देखो टैब आते हैं ना ऊपर, अब जैसे अभी आपका किस पे खुला एडमिशन वाला खुला है, देखिए नेक्स्ट बटन आ रही है यहाँ पे, आप कोर्स वाले क्लिक कर देंगे कोर्स वाला खुल जाएगा, फीस बिल क्लिक कर देंगे तो फीस वाला खुल जाएगा, यानी एक ही फॉर्म पर आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे बना, देखिए ठीक नेक्स्ट, अब फिनिश, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट 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 सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं, तो कितने भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे इसकी, देखिए प्रॉपर्टीज आपको कहीं मिलेंगी, यानी एक ही मल्टीपल फॉर्म पर एक ही पेज पर आप मल्टीपल चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे दिया बैक कलर, आपको कोई भी लेना है इसका बैक कलर ले लिया, ये देखिए बॉर्डर कलर आपको लेना है, जैसे इसका आप रेड, बॉर्डर स्टाइल आपको कैसी चाहिए इसकी सॉलिड, ये देखिए क्लियर, बॉर्डर की विथ आपको कितनी चाहिए अपने हिसाब से ले लीजिए, सीएसएस जैसे कैंसिल बटन, टाइप बटन, फिनिश कंप्लीट, लार्ज फॉन्ट, ठीक, हेडर टेक्स्ट कुछ भी देना है, इसका हेडर टेक्स्ट आप देना चाहते हैं, जैसे दे दिया आपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्या दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, क्लियर, हेडर टेक्स्ट दे दिया आपने, क्लियर, बिहेवियर वगैरह कुछ देना, स्किप लाइन देना, ये देखिए आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, क्लियर। उसके बाद आप जो कंटेनर बन रहे हैं, जो विजार्ड्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे स्टेप आया, अब स्टेप के अंदर भी आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे लार्ज ले लिया, फॉन्ट ले लिया आपने, स्टाइल्स ले लिया, उसके बाद कलेक्शन में गए ना इसके स्टेप में, अब इसमें जैसे आपको अलाउ करना स्टेप टाइप ऑटोमेटिक, कोई और सेटिंग्स करनी है आपको, अलाउ रिटर्न करना है कि नहीं करना है, अलाउ रिटर्न करना है ट्रू है नहीं, अगर आप फॉल्स कर दोगे तो एक, अब आप देखिए ओके, अब आप देखिए रन कराओगे अब जैसे नेक्स्ट चले गए, अब आप पीछे क्योंकि आपने अलाउ रिटर्न क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, ये देखिए एक ही फॉर्म पर आप मल्टीपल चीज़ों को बना सकते, कोर्स फीस सब खुल जाएंगे एक ही फॉर्म पे, आपने देखिए नेक्स्ट प्रीवियस बटन आ रहा, तो इस टाइप से अगर आपको एक ही फॉर्म पर मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं, मल्टीपल फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन चाहते हैं कि स्टूडेंट वाइज लॉग इन करे, फिर रजिस्ट्रेशन करे, फिर फीस आए, फिर एडमिन आए, तो इस टाइप के कंट्रोल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विजार्ड कंट्रोल का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं विजार्ड कंट्रोल। और भी आप जैसे हेडर स्टाइल भी देना चाहते हैं, हेडर का बैक कलर, ये अब आपको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हैं, जैसे आप लेना चाहते हैं रेड, ठीक, हेडर का स्टाइल सॉलिड, ये देखिए हेडर अलग स्टाइल में ले सकते हो, बॉर्डर की विथ वन,
ये देखिए हेडर आपका अलग स्टाइल में है। और हेडर अलग स्टाइल, हेडर को आप स्टाइलिस्ट और स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हो तो देखिए प्रॉपर्टी में जाएंगे, सारा खेल प्रॉपर्टी का है। ये देखिए हेडर है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपके पास फिनिश बटन, फिनिश बटन आती है उसका बैक कलर आप कैसा लेना चाहते हैं, उसका आप करना चाहते हैं येलो बैक कलर के लिए, उसका बॉर्डर देना चाहते हैं ये कैसा सॉलिड। अब आप देखिए जब आपकी फिनिश बटन आएगी देखिए उसका कैसा आएगा, ये देखिए है अब आप हो गया। तो आप किसी का भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को बना सकते हैं, और भी इसमें आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। और इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि इसमें और आपको और प्रॉपर्टी बताइए, सारी प्रॉपर्टी एक बार चेंज कर लीजिए। देखिए फिनिश बटन, देखिए फिनिश प्रीवियस बटन, फिनिश कंप्लीट बटन, हमने प्रीवियस बटन सेटिंग की, अगर आप इसकी चेंज करना चाहते हैं जैसे फिनिश की, यहाँ से आपने इसे ब्लैक ले लिया, बॉर्डर आपने कर दिया कितना सॉलिड कर दिया, कलर आपने क्या ले लिया इसका क्लियर, अब देखिए ऐसे ही आएगा। आप एक एक चीजों को देखिए, सारी चीजों को आप एक ही फॉर्म पर सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं। दोनों हो गया प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस, अपने हिसाब से सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं क्लियर। और भी आपको इसमें सेटिंग मिलेगी, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए विजार्ड की सेटिंग्स, विजार्ड कलेक्शन, कैंसिल बटन, ये देख एक एक चीज है आपको, हेडर स्टाइल, हेडर कलर, फॉन्ट, हेडर का लेना है आपको कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है जैसे बोल्ड कर दीजिए आप इसको, ठीक, फॉन्ट का नेम आपको कोई लेना है जैसे आपने कर दिया बुकमैन ओल्ड स्टाइल, क्या कर दिया आपने बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो गई क्लियर। उसके बाद आपको नेविगेशन, जो नेविगेट हो रहा है, नेविगेटर स्टाइल्स स्लाइडर बार, जो स्लाइडर हो रहा है उसकी आपको कोई कलर चेंज करना, फॉन्ट चलर, ठीक। तो आप अपने स्टेप, स्टेप्स की स्टाइल, जो स्टेप्स आ रहा है उसका देखिए, स्टेप्स जो आपके पास आ रहे हैं उनकी कोई कलर लेना, जैसे आपने दे दिया ये वाला स्टेप कलर, देखिए स्टेप्स का बॉर्डर आपको लेना है, बॉर्डर कलर आपने दे दिया यहाँ मान लो ये वाला क्लियर, कैसा लेना है आपको सॉलिड, स्टेप्स का कलर आ गया। तो आप यहाँ से किसी की भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा विजार्ड यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, एक ही फॉर्म पर मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। तो इसके काम के लिए यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल, इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स, लेबल कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप इसमें फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, नेम वगैरह लेना, तो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपको बटन रखनी है बटन भी रख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स रखना है तो टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते, कुछ भी डिजाइन पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं क्लियर। तो ये आज के लिए इतना ही काफी, इनको आप लोग कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो बताएंगे। थैंक यू।